आमदीद चनार। शुक्रिया चाचा। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। आपके लिए दुल्हन लेकर आया हूं, ला ले। अम्मी, आपका हाथ चूमने आए हैं। शादी करते वक्त तुमने मेरी मर्जी नहीं पूछी थी, अब मैं तुम्हें अपना हाथ क्यों दूं? इतना गुस्सा क्यों? आपने कहा था शादी कर लो तो मैंने कर ली। तुमने किसके साथ शादी की है चनार? इस लड़की के साथ जिसकी मैंने सिर्फ मैगजीन में तस्वीरें देखी हैं। मम्मी, प्लीज। यहां आओ चनार, इधर बैठो। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल हक पर हैं, वो बहुत टूट गई थी। मेरे प्यारे शफीक, दिन ब दिन तुम खूबसूरत और जवान होती जा रही। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारा रंग चला हुआ है, क्या तुम किश्ती पर गए थे? मैं बोधरूम में था। हत्या के मेरा सामना करीम और यास्मीन से भी हुआ। हाँ। खूबसूरती में यास्मीन तुम पर गई है। मैंने तुमसे एक वादा किया था, मैं नहीं भूली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, और ऊपर से ऐसे मसरूफ दिनों में मुझे दावत देना बहुत अच्छा लगा। मत पूछो, लाले की शादी ने तो मुझे परेशान कर दिया था। क्या ये वाकई अचानक हुआ है, जैसे कि अखबारों में लिखा है? अचानक हुआ है। इस्तांबुल में एक दफा एक दूसरे को देखा था। हत्या के लाले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी चनार अलगास को। एक बोर्डरूम में उनका सामना हुआ था। लव एट फर्स्ट साइट का ना फिर से? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो इश्क के रंग बदल जाते हैं, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती। असल में शादी करते हुए खानदान भी शादी करता है। माहौल, तजर्बा, तरबियत, ये एक दूसरे से जितना प्यार भी कर ले, इश्क अगर यकतरफा हो तो वो शादी में दरार डाल देता है। शादी को छोड़ो, बस इश्क रहे उनके बीच, और उनके बीच तो एक मासूम इश्क है ही। ओह शफीक, इश्क दर्द के अलावा क्या देता है इंसान को। लेकिन हम अगर आज की बात करें तो इस दर्द की दवा तो तुम्हारे हाथ में है। तो चिनार, कैसा रहा बोर्डरम? ज्यादातर समंदर में कश्ती सेल करते रहे, बहुत खूबसूरत था। अगर तुम लोगों ने समंदर में शादी की है तो तुम्हारा निकाह नहीं माना जाएगा। हमारा निकाह हमेशा माना जाएगा। लाले मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी, और आप लोग भी इसको समझ जाएं। जो बात हम समझ नहीं पा रहे हैं वो ये है कि तुमने ये काम
ढके छुपे क्यों किया? मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ चाचा, आप जानते हैं। आपकी जगह जन्नत में हो। आपको मैं अपने मरहूम बाबा जितना प्यार करता हूँ, और मैंने ये तक भी कहा है कि मैंने अपने आप को कभी कभी बाबा मरहूम से ज्यादा आपको करीब महसूस करता है। तुम हमें कितनी अहमियत देते हो नजर आ रहा है जनार। समझता हूँ आप टूट गई हैं, उदास हो गई हैं। यहाँ हम आपका दिल जीतने आए हैं। जिसने शादी करते हुए हमारी रजा नहीं पूछी, वो हमारा दिल कैसे जीतेगा? ये बात मैं आपकी बहू के सामने नहीं कह रहा हूँ चाचा। क्या इस खानदान के सबसे बड़े और तजुर्बेकार आप नहीं? तुम्हारे चाचा हक पर हैं जनार। आपका महल यहाँ से थोड़ा आगे जाके है ना? इसी रो में मैं तुम्हारे महल के सामने से कश्ती में बहुत दफा गुजरा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वहां तुम्हारे जैसे एक शहजादी रहती है। जैसा तुम जानते हो मेरे प्यारे शफीक, महल जब्त होने पर ना आए, तुम कहाँ थे? इसके लिए आजकल में मुझे तुम्हारी जमानत की जरूरत है। जानता हूँ तुम्हें पैसे जल्दी मिल जाने चाहिए। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन ये जाती जरूरत मैं अपने फॉरेन पार्टनर को नहीं बता सकता। क्या मतलब नहीं बता सकते? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये मसला सिर्फ मेरा मसला नहीं है, तुम्हें वो जमानत देनी ही पड़ेगी। तुम्हारा मसला हल ना करने पर मुझे अफसोस है जमूरत। जो तुम्हारे साथ हुआ वो अगरचे के दर्द के साथ खत्म हुआ, लेकिन खत्म हो गया। शफीक मुझे इजाजत, मुझे एक मीटिंग में शिरकत करनी है। तुम्हारा साथ बहुत खूबसूरत। जैसा मैंने कहा कि हर काम बिल्कुल अचानक हुआ। अगर मुझे पता होता कि सहाफियों को इस बात की खबर मिल गई है तो आपको पहले ही कॉल कर देता। क्या फर्क पड़ता? गलत मत समझना, लेकिन तुमने जो शादी की है इसे हम दुरुस्त तसव्वुर नहीं करते। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, शादी न प्यार जैसी होती है न व्यार जैसी। इंसान इसीलिए गलत फहमी का शिकार है। आशिक उस वक्त तक आशिक रहता है जब तक इश्क रहे। जो हाथ से निकल जाते हैं वो अपने प्रेमी से शादी कर लेते हैं। वो समझते हैं औलाद पैदा करने के लिए शादी कर रहे हैं। अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो हर चीज कायदे कानून के मुताबिक करनी चाहिए थी, ऐसे तो नहीं? बहुत हो गया। मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आया हूँ। मैं आशिक हूँ, प्यार किया है मैंने, शादी कर ली बस। मैं यहाँ अपनी बीवी को मिलवाने लाया था, लेकिन अफसोस आप लोग इस लायक ही नहीं है। लाले मेरी बीवी है, मेरी रूह का हिस्सा है। अगर आप जानते हैं कि शादी क्या है तो इसका मतलब भी जानते होंगे। कहाँ जा रहे हो? आपको क्या लगा कि मेरी बीवी के साथ इस तरह का बर्ताव करने वालों के साथ एक छत के नीचे रह सकूंगा? हम जा रहे हैं। चला गया मेरा चनार, चला गया मुझे छोड़कर चला गया। नजीब साहब कुछ करें, मेरा बेटा ये घर छोड़कर चला गया है। मेरा प्यार सबके लिए, हर चीज के लिए काफी है। मेरी लाले हम सिर्फ हम हैं, तुम और मैं। जानती हूँ ये सब जो हुआ मैं इस पर बहुत अफसरदा हूँ चिनार, हत्ता कि मैं अपने आप को थोड़ा सा कसूरवार भी समझ रही हूँ। कभी नहीं, कभी अपने आप को कसूरवार ना कहना। दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। तुम दरवाजे को जोर से बंद करते हुए निकल गए चिनार, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपना चेहरा सूरज की तरफ करने से डरने वाली मेरी लाले छोड़ो, ताकि मैं हम दोनों की तरफ से उनसे लड़ूं। चलो बस करो लड़की, जब से तुमने लाले की खबर को देखा है तुम आवारा हो गई हो। तुम्हें क्या,
इकराम साहब, जाब्ता ऑफिसर आए हैं। जाब्ता क्या? आपसे मिलना चाहते हैं। महल जब्त हो जाएगा क्या? जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। फैसले की कॉपी और कागजात कहाँ हैं? ये लें। आप इजाजत दें ताकि हम जाब्ते की कार्रवाई शुरू करें। सब खत्म हो गया। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। पहले सामान जाएगा, ऐसा ही है ना ऑफिसर? हाँ। अम्मी को इस बारे में खबर है क्या? जल्द हो जाएगी। हाँ बोलो क्या? क्या क्या मतलब? जब्ते की कार्रवाई शुरू हो गई? ठीक है, मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ मैं। तेज चला, तेज। मैं बर्बाद हो गई। अब क्या करोगे तुम समरुद्ध? पिछले वाले अपार्टमेंट को ढूंढने वापस जाओगे क्या? नहीं, नहीं कर सकती मैं। ये मैं नहीं कर सकती। कुछ अरसे रेजिडेंस सेंटर में रहेंगे, फिर अपनी पसंद के हिसाब से घर ढूंढ के वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। यास्मीन की कॉल है। हेलो यास्मीन। लाले तुम्हारे साथ है क्या? मेरे साथ है। मेरी बात कराओ। बिल्कुल, तुमसे बात करना चाहती है। हाँ बोलो यास्मीन। लाले, महल जब्त हो रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो तुम लोग? इन सब को छुओ मत। ये सब मेरी चीजें हैं, सारी मेरी है, मत छुओ इसे। रुको। छोड़ो उसको, छोड़ो इसे, मुझे दो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। इकराम, आओ, छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों जा सकती तुमने इस हमले जाने की? मत करो, छोड़ो उसे, छोड़ो, दफा हो जाओ और अपने गंदे हाथ उस पर से हटा दो। अगर रहे तो भाग जाओ मेरे घर से। ये लोग अपना कानूनी काम कर रहे हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता है, ऐसा मत करो जुमरत। क्यों जा सकती होश में आओ तुम। अम्मी, माम कुछ कह रहे हैं। मैंने इस घर को अपनी जिंदगी दी है। अम्मी होश में आओ जुमरत। मैंने इस घर को अपनी जवानी दी है। बस करो, थोड़ा तहमुल रखो, होश में आओ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे जुमरत, प्लीज। जाओ, जाओ यहाँ से। अम्मी संभाले, निकलो मेरे घर से। जाओ, अम्मी संभाले खुद को। छोड़ो मुझे जुमरत, प्लीज। बस करो, होश में आओ प्लीज। अम्मी संभाले प्लीज। निकालो इन आदमियों को इस घर से। छोड़ो, उसे छोड़ो। पास हूँ, होश में आओ प्लीज। छोड़ अम्मी, कुछ सुकून हो जाए प्लीज। नहीं लेकर जाओ। शाबाश, आओ मेरे साथ। इकराम, इकराम, उनसे कहो कि मैं जबरदस्त तश्करान हूँ, कोई और इस घर में नहीं रह सकता। तो मेरी प्यारी बहन, इजाजत मत दो। अम्मी ये सब मत करे, संभाले अपने आप को। ये जगह मेरी है, मत लिखो, छोड़ो, दबो जाओ इस घर से। क्या काम है इनका यहाँ? ठीक है मेरी बहन, ठीक है। इस्तांबुल की खूबसूरत औरत भी तुम ही हो। लाली को खबर कर दी है क्या? कर। मैं मॉम के पास जा रही हूँ। इस जिम्मेदारी को संभालने का शुक्रिया। कंट्रोल ऑफिसर आप हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं हूँ। जी जनाब,
बिल्कुल जनाब, सर आंखों पर। मॉम लाले, यास्मीन, मेरी प्यारी मॉम, आप ठीक है ना? क्या तुम अकेली आई हो? आई हूँ, चिनार बाहर उन लोगों से बात कर रहे हैं। ये सब कुछ रुकवा दिया क्या है? आप परेशान मत हो, मैं देख कर आता हूँ। चिनार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसे मेरे वर्किंग रूम में भेज दो। ये अच्छा होगा, तुम अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। जैसे आप कहें सर। आप समझ गए? समझ आ गया जनाब, हम चीजें वापस रख रहे हैं, कोर्ट ने अपील की मुद्दत बढ़ा दी है। हेलो, मैं इकराम, लाले का मामू हूँ। खुशी हुई। हम नहीं चाहते थे कि आपसे इन हालात में जान पहचान हो। कोई बात नहीं, अब मैं भी इसी खानदान का हूँ। आप लोग जिन हालात का शिकार हैं, सिर्फ उसका अफसोस है। बुरे दिनों में आए हैं, पर अच्छा हुआ आप आ गए। चले आए, अंदर चल के बैठते हैं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। क्यों पेक? तुम्हारे हीरो ने तो हमें भी बचा लिया। मैं जानती हूँ वो बहुत खास है। मैं बहुत खुश हूँ यास्मीन, मेरे पांव जमीन पर नहीं दिख रहे, प्यार में डूब गई हूँ। मेरी जान, तुमने मुझे याद किया। क्यों पेक? मेरी जान। देखो देखो तो, बिल्ली ने बिल्ली का काम करते हुए एक चूहा पकड़ लिया। आफरीन हो। मॉम की तरह बात मत करो। हाँ ऐसा मत कहो, जमरूद खातून अपने दामाद के साथ मीठी बातें कर रही होंगी। तुम बहुत लकी हो, अब वो तुम लोगों को डांटेंगी भी नहीं। मैं चिनार को लेकर आया हूँ। खुशामदीद चिनार। शुक्रिया। आओ बैठो। इकराम, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं चिनार के साथ अकेले मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चलें फिर बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। मैं कॉकटेल लूंगी, क्या तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया आपका। क्या तुम कॉकटेल नहीं पीते हो? कभी कभार, अभी नहीं। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने जाब्ते की कार्रवाई वक्ती तौर पर रुकवा दी। कोई बात नहीं। और मुबारक हो, मेरी बेटी के साथ तुमने शादी कर ली। हाँ वैसा ही हुआ है। इतनी अचानक क्यों? क्योंकि मैं आशिक हो गया था, प्यार करता हूं उससे। तुम आशिक हो गए थे? लाले से प्यार करते हो, उससे कितना प्यार करते हो? लाले से बहुत प्यार करता हूं। बहुत कितना? कैसी हो तुम इकबाल? हाँ। ऐसा बुरा मत सोचो तुम, हर चीज ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। इलाही नजीब, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, आ जाएगा चला जाएगा, परेशान मत हो। कल राज को मत मिलाओ इकबाल। अगर मुझे इसकी आदत होती तो मेरे लिए अपने आप को एक छत के नीचे रखना मुमकिन नहीं होता। मेरी सोच कुछ और है।
तुम किस बात के बारे में सोच रही हो? चिनार प्यार करता है उस लड़की से, बहुत प्यार करता है। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर वो प्यार करता है तो तुम किस इश्क की बात करती हो? दो पैसे का नेकलेस देकर अगर मैं गले में डाल दूं तो तुम भी कहोगी कि मैं भी प्यार करता हूं? चिनार अपने प्यार की हिफाजत कर रहा है नजीब साहब। क्योंकि उसे रोककर उसे समझाने वाला कोई नहीं है। हम कब तक रोकेंगे उसे? चिनार हमारे होते हुए भी उससे प्यार करता है। अल्लाह हर औरत को ऐसा प्यार करने वाला नसीब करे। तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा उससे ज्यादा प्यार ना करे? वो मेरी जिंदा रहने की वजह है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा बस वही तो मेरा सहारा है। हमारे दरमियान इत्तेफाक पसंद आया? आप परेशान ना हो, मैं संभालूंगा। कैसे रह रही हो लाले? क्यों पे? कैसे तुम इतनी मासूम और साफ रह पाए? आह चिनार आओ ना। क्यों पे? तुम्हें नहीं भूला ये? शायद अब ये तुमसे जलने भी लगी। क्यों चलेगा? शायद ये तुम्हें शेयर न करना चाहे। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, फिर भी एक प्रॉपर तारुफ हो जाए। ये मेरी रूह का हिस्सा है चिनार, और ये मेरी प्यारी सी बहन यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम चिनार। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। तुम्हें खुश आमदी। शुक्रिया तुम्हारा। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, इससे पहले कि कोई नाखुशगवार बात हो हम चलेंगे। तुम जैसा चाहो, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मॉम को कॉल करूंगी मैं। जैसा तुम चाहो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिएगा। मैडम, चिनार साहब ने अपना सामान लेने के लिए ड्राइवर को भेजा है। अच्छा, कैसा है, तुम्हें पसंद आया? बहुत प्यारा है। मेरे बस में होता तो मैं उस कश्ती पर सारी जिंदगी गुजारती थी। जानता हूँ, अब मेरा जाना जरूरी है, मुझे होल्डिंग पहुँचना है। बिल्कुल बढ़ा लेंगे उसे, लेकिन मैं हनीमून को थोड़ा। लेकिन अभी तुम काम पे जाओ, तुम सुकून से काम करो। लेकिन तवील करेंगे, वादा। वादा। अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो? तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा?
तुमने कुछ नहीं सोचा? क्यों किया तुमने ऐसा? ले जाओ उसका सामान। तश्करान महल पर लागू कंट्रोल को खत्म करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। होल्डिंग में हमें आपके हिस्से को अलग करना होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं होगी क्या? ये तो हर सूरत में जरूरी होता है। आप कह रहे हैं कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है। तुम इस मामले में मुदाखलत ना करो, जो जरूरी है वो करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके दस्तखतों के लिए तुम फौरन फैसला लिखो, फौरन। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी सर। आज बहुत थकावट से भरा दिन था। एक के बाद एक चीज होती रही। दुख हो रहा था। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें बच्चों की तरह कैसे हंसाया जाए, एंजॉय करवाया जाए। चलो उठो। लेकिन कहा? सरप्राइज। चलो। क्या तुम लोगों ने सुना? तश्करान महल जब्त होने पे आ गया। दौरे लाले अब खत्म हुआ। कहीं ना कुछ भाभी, वो अपने आप को मुश्किलात से नहीं निकाल पा रहे हैं। अल्लाह महफूज रखे, उनकी बलाएं हमारे सर ना आ जाएं। अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं, उनकी बेटी अब हमारी बहू है। अभी तक नहीं। अभी तक नहीं कैसे? आपके बेटे ने शादी कर ली है, और किसे पता है कि वो अपनी बीवी के खानदान को उनकी डूबी हुई हालत से निकाल ले। चनार ऐसा कोई काम कर सकता है नजीब साहब? वो नहीं कर सकता। अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। मैं दोबारा उन जाब्ते के ऑफिसर्स का सामना नहीं करना चाहता। हुक्म करें छोटे साहब। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चनार ने कहा है कि वो संभाल लेगा, जैसे शफीक साहब थे। अगर उसने भी आपको आधे रास्ते में छोड़ दिया तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। आपके हाथों से तो मामले नहीं निकलने वाले थे। क्या हुआ, क्या बदला? हमारा मौजू ये नहीं है, हमें एक बहुत ही अहम मसले को हल करना है। क्या चिनार पर इस मामले में भरोसा करना ठीक है? चिनार अच्छे खानदान से है। ओ, आपने तो फौरन ही अपनी दामाद की तरफदारी की। क्या करें, समंदर में गिरने वाला बचने के लिए सांप को भी पकड़ लेता है। प्लीज इकराम, ऐसी बातें मत करो। चिनार के कानों तक ये बात जा सकती है। अब वो बहरहाल हमारा दामाद है और लाले से भी बहुत प्यार करता है। आपको कैसे समझ आया? मैं समझती हूँ। चलो करीम, चलते हैं। ठीक है, अगर अखबार वाले कुछ पूछे तो बोलना नहीं, ना ही लाले की शादी से मुतालिक और ना ही जाब्ते से मुतालिक। समझ गए, लाले की शादी, लाले की शादी। कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल पागल हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क पसंद है? अम्यूजमेंट पार्क किसे पसंद नहीं? बच्चा बनना, बच्चों की तरह एंजॉय करना किसे पसंद नहीं? बच्चों को कौन ना पसंद करेगा। हाँ, बहुत प्यार है। हमारे घर में बच्चों को बहुत प्यार किया जाता है। आज होने वाली बातों को दिल पे मत लेना, ये शर्त है कि हमारे घर में एक चिनार और आना है। ठीक है, इस शर्त को पूरा कर देते, वो हमें माफ कर देंगे। हम इस शर्त को पूरा करते हैं, छोड़ो इस बात को कि वो हमारी माफी का इंतजार करें। तुम क्या करोगे?
मतलब अपने खानदान से रिश्ता जोड़े रखने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेरी अम्मी तुम्हें कबूल नहीं करती तब तक मैं कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। बहुत जिद्दी हो तो। जिद अच्छी चीज है, इंसान को जिंदगी से जोड़े रखती है। मेरी अम्मी मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। मुझे नफरत और बेचैनी बिल्कुल पसंद नहीं है चिना। इस सूरत हाल को हम कैसे ठीक करेंगे? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब जरा बताओ किससे शुरू करें? मुझे भी एक और दे देना। एक मिनट सर। बहुत मजेदार है ये। इससे पहले तुमने ठेले का बर्गर नहीं खाया? नहीं, नहीं खाया। बहुत लजीज है। क्या ये हमारे दामाद नहीं है? कहाँ? वो देखो उन्हें। चलो हम लोग गाड़ी को पार्क करके उनके पास चलते हैं। हमारा क्या काम है उनके पास? आप देख रही हैं ना, दो प्रेमी बैठे हैं। ऐसे दो प्रेमियों के पास अचानक जाना अच्छा नहीं होता। ठीक है करीम, बात मत बढ़ाओ। अभी तुमने क्यों गुस्सा किया? उन्हें नजर मत लगाओ, अपने अतराफ में देखो, तुम्हें भी कोई चनार मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कहा ना बात मत बढ़ाओ। लाली को कॉल करके बताओ कि हमने उन्हें देख लिया है। तुम आगे बढ़ो, हरी लाइट जल गई है। हेलो करीम, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं प्लान कर पाई। जब तुम लोगों ने देख ही लिया था तो हमारे पास क्यों नहीं आए? समझ गई, कल आ जाओ, सब साथ खाना खाएंगे। ओके मीजा, मिलते हैं। जब एक साथ खाना खा ही रहे हैं तो मेरिट को भी बुला लेते हैं। ठीक है, बुला लेते हैं। इसका दाग नहीं निकला, दूसरा ले आओ। इसे ड्राई क्लीनर के पास भेज दो। तुम मेरा वो सफेद वाला सूट निकाल लो। ठीक है मैडम। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी शुरू कर दी आपने टी पार्टी की तैयारियां? हाँ, फ्रेंड्स बस पहुंचने वाली होंगी। क्या तुम नहीं आओगी? मैं तो नहीं आ सकती, काम में मसरूफ हूँ, लेकिन शायद आपकी समधन जमर्रत ताशक्रान आएगी। वो तो आएगी। जमूश में उस दिन बड़बड़ाते हुए कह तो रही थी कि अगले हफ्ते फैशन शो है और उससे पहले वो सबको टी पार्टी पर बुलाएगी। होशियार रहिएगा भाभी, ऐसी औरतें अदाकार होती हैं, ऐसी बात करेंगी कि आप दंग रह जाएंगी। मैं आज तक इस दुनिया से नहीं डरी, सोसाइटी की उन औरतों से मैं खाक डरूंगी क्या? मैडम। हाँ, मैं यही पहनूंगी। सुबह बखैर मेरी जान। सुबह खैर, कोई जवाब नहीं तुम्हारा। ट्यूलिप्स में सबसे खूबसूरत को इसे रिश्वत समझना, क्योंकि आज मैं होल्डिंग में रहूंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा, रात को डिनर साथ करेंगे। ओके। अब अच्छा सा नाश्ता करो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे खाने में बरकत हो। मैं बाहर जाऊंगी, जो कपड़े मैंने निकाले थे उन्हें प्रेस कर दो। ठीक है मैडम। तुम कहाँ जा रही हो? शायद एक ऐसी चाय पार्टी में जहाँ इकबाल खातून भी मुझे मिल जाए। ओहो जुमरत, वो पहले ही सख्त तकलीफ में है और तुम अभी से उस पे पंजे गाड़ रही हो। इकबाल खातून से सामना होने का एक भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। सामना करके क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं,
जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है वैसे ही खेलना चाहती हूँ मैं उनके साथ। अपने मुखालिफिन को कम मत समझो जुमरत, खेल में नए आए हैं और आते ही खिलाड़ियों को हरा रहे हैं, ये मत भूलना। हाँ तो आज हमारे शेड्यूल में क्या है? आज सबसे पहले मैं अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता हूँ। खैरियत तो है चनार, अपना पैसा निकाल कर तुम किसकी जेब में डालना चाह रहे हो? लाले के खानदान को डिफॉल्ट होने से बचा रहा हूँ चाचा। अच्छा तो ये बात है, यानी कि तो अब हम अपनी जेब से पैसा निकाल कर तश्करांस की जेब में डालने जा रहे हैं। ऐसा ना कहें, मेरी बीवी का खानदान अब मेरा भी खानदान है। तुम उन्हें बचाओ, हम डुबोने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब? मैं इस खानदान का पैसा तश्करांस को नहीं खिलाऊंगा। ये स्टाइल हमें नहीं सूट करता। और चाचा मैं अपनी जमा पूंजी अपने हिस्से की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। पैसा पैसा होता है, हमारे यहाँ से एक पैसा भी तश्करांस को नहीं जाएगा। अगर मैं चाहूंगा तो जाएगी, लाले भी मेरा खानदान है। खुशामदीद, कैसी हैं आप? शुक्रिया, कैसी हो? खुशामदीद। हाँ जमीला। हाँ, मेरी आंखें कब से आपका रास्ता देख रही थीं। मुझे डर था कि आप नहीं आएंगी। वेलकम। थैंक यू डियर। आपको तो मालूम है ये कोर्ट मैरिज वगैरह का मसला है, मैंने सोचा आप शायद रश होने की वजह से नहीं आना चाहेंगी। डियर इकबाल, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। शुक्रिया। डेयर इकबाल, क्या चिनार ने वाकई तश्करान फैमिली में शादी कर ली? शादी कर ली है। जमीला, तुम हमें विंटर कलेक्शन दिखाने वाली हो? ओ हाँ, आज तो ऑटम विंटर फैशन शो है, चलो चलते हैं। माफ कीजिएगा, चलें यहाँ से ले चलती हूँ आपको। आप एक दूसरे को जानती हैं, है ना? कहाँ? मैडम, जमीला का आज फैशन शो है। तो तुम तो नहीं जाने वाली थी? मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। जो तुमने खबर सुनी है उसे आगे फैलाने की जल्दी है ना तुम्हें? जरा एक बाल भाभी के कदम तो जम जाएं। तुम उन सब के साथ खेल क्यों खेल रही? क्यों ना खेलूं खेल? अगर मैं खेल नहीं खेलूंगी तो भाभी हमारे साथ खेलकर हमें खा जाएंगी और हमें वापस कैसरी जाना पड़ेगा। तो कुछ बुरा हो जाएगा? हम कम अज कम खुश तो रहेंगे। चलो मैं चलती हूँ।